तो रांची में शराब माफिया खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। छापेमारी के दौरान 5 कारोबारी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब बरामद की गई। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों में राहुल शर्मा भी है, जो मुख्य आरोपी है। राहुल शर्मा मुख्य रूप से बिहार के जहानाबाद का रहने वाला है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 2 लाख रुपए कैश भी बरामद किए हैं। रांची पुलिस ने अवैध शराब माफियाओं के विरुद्ध बड़ा अभियान छेड़ रखा है। ऐसे में रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र के ओइना में बड़ा जो शराब का खेपा है वो बरामद किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो शराब माफिया है बिहार, झारखंड, बंगाल सहित कई राज्यों का ये इनका अपना कनेक्शन है, जो कि नकली विदेशी शराब खुद पैकिंग किया करते थे और यहाँ से बड़ी संख्या में ये लोग सप्लाई किया करते थे। ग्रामीण एसपी खुद इसके लीड कर रहे हैं सीनियर एसपी के आदेश के बाद। क्या है सर ये पूरा किस तरह का अभियान था, क्या क्या अब तक बरामदगी की गई है? रांची जिला के पिठोरिया थाना अंतर्गत ग्राम ओइना में हम लोग देर रात से ही ये रेड छापामारी चल रही है। ऐसी सूचना मिली थी आदरणीय वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय रांची को कि बड़े पैमाने पर गलत ढंग से यहाँ झारखंड में, और हम तो बल्कि ये कहें कि हिंदुस्तान में जो भी लीगल ढंग का शराब है वो यहाँ तैयार किया जाता है, उसकी सीलबंदी की जाती है और यहाँ से ऊंचे दामों में दूसरे स्टेट में, बिहार में, बंगाल में भेजा जाता है। और इसमें ये बहुत बड़ा रैकेट था राहुल एंड शर्मा ग्रुप का। राहुल शर्मा ग्रुप का जो जहानाबाद के रहने वाले हैं, उनको उनके साथ मैंने 6 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसमें लग्जरियस गाड़ियां इस्तेमाल की जा रही है, जो करीब 6 गाड़ियां बरामद की जा चुकी है। इसी गाड़ियों में ये लोग पैकिंग करके या फिर अब सप्लाई करते थे बिहार में या फिर बंगाल में। ऐसे में ये तो खतरनाक भी हो सकता था, जिसका समय रांची पुलिस खतरनाक हो सकता। अभी कोरोना का जो महामारी चल रहा है उसमें इस ढंग का इस्तेमाल करना वो एडवर्स इफेक्ट शरीर पर डालेगा ही, बिल्कुल डालता ही होगा। ये थे ग्रामीण एसपी जी की पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से देख सकते हैं कि जितनी तरह की ब्रांड है ये सारे जो ओरिजिनल है, जो रैपर्स है, ब्लैक डॉग हो या फिर तो जो भी बड़े ब्रांड हैं विदेशी शराब के, वो यहाँ पर बरामद किया गया है। लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे ताकि ये पुलिस को चकमा दे करके फरार हो सके। सूटकेस में लगाया रखा जाता था रैपर, देख सकते हैं कि रैपर इनके पास एक बड़ा है ताकि इन रैपरों को इन बोतलों पर सजाया जा सके। इसको एक एक ओरिजिनल जो तस्वीर है शराब की वो पेश करने के लिए ये पूरी व्यवस्था जो थी, लेकिन समय रहते रांची पुलिस ने इनका उद्भेदन किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तकरीबन 7 लग्जरी गाड़ियां बरामद किए गए हैं जो कि अलग अलग जगहों पर सप्लाई किया जाना था। एक अंतरराज्यीय गिरोह का ये भंडाफोड़ है रांची पुलिस ने किया है। इसी तरह लगातार अभियान चल रहा है। कीमत भी अगर हम कहें तो कितनी होगी सर कीमत? इसकी कीमत अभी जो हम लोग अनुमान के करें 30 लाख रुपए से ऊपर की इसकी कीमत होगी निश्चित रूप से। यहाँ पर पुलिस की नजर नहीं पड़े, लेकिन रांची पुलिस ने इस पूरे मामले पर पैनी रेंजर बनाई हुई थी, जिसके बाद ये पूरा भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी, 7 लग्जरी गाड़ियां, 30 लाख रुपए से अधिक के विदेशी नकली शराब जो है वो बरामद किए गए हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज 11 नाथपुर।